साल 2023 के विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी को शिव सीट से चुनाव लड़ते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने पेपर लीक के प्रकरण के बारे में विस्तार में बताया और उन्होंने कहा था कि जो भी जिम्मेदार है उसको किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो तमाम चीजें जो प्रदेश की सरकार ने की, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते को लेके हो, चाहे रोजगार के नाम पे उनसे ठगी हो, इन तमाम चीजों पे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव की सारी प्रक्रिया संगठन के अंदर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व तय करता है। आने वाली 25 तारीख को वोट की चोट के साथ हमें कांग्रेस की सरकार का सूत्रा साफ करना है और कमल खिलाना है। पिछले 5 साल में 12 बड़े पेपर लीक हुए हैं। इसके साथ ही कई ऐसी भर्तियां हैं जो पूरी नहीं हो पाई। प्रदेश के तकरीबन 26 लाख युवा बेरोजगार लगातार खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा अगर पिछली सरकार में कोई परेशान हुआ तो वो युवा हुआ। भर्ती नहीं आती और भर्ती जब आती है तो पता चलता है कि पेपर आउट है। हर जगह कुठाराघात हुआ है। प्रदेश की सरकार ने उनके साथ में विश्वासघात किया, धोखा किया। मुझे लगता है कि इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोगों को ऐसी भाषा का उपयोग कतई नहीं करना चाहिए और ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। और वहां से आने के बाद में अगर देश की प्रदेश की राजधानी में बैठ के अगर हम ऐसे बयान देंगे तो कहीं ना कहीं जोधपुर पे एक क्वेश्चन मार्क लगता है, एक सवाल या निशान खड़ा। तो मारू निवेदन आप इस चैनल के माध्यम ना माननीय अशोक गहलोत सामने ना इतने जोधपुर अपनाए पूरे प्रेम ना बरकरार रखो पूरे माथे सवाल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है और बिसात पर अब कौन से मोहरे चले जा रहे हैं इसको लेकर सभी की नजरें राजस्थान की राजनीति पर टिकी हुई है। वागड़ के युवा और कद्दावर नेता रविंद्र सिंह भाटी ने भाजपा ज्वाइन की है, जो इस समय प्रदेश की युवा राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मेरे साथ रविंद्र सिंह भाटी मौजूद हैं। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। बीजेपी ज्वाइन करना? बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार देख रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी वो चेहरा नजर आ रहा है जो हमेशा निर्दलीय के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ज्वाइन करना कैसे देखा? आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ, विचार परिवार के साथ में हमेशा से जुड़ा हुआ था। छात्र राजनीति के समय से मैं विचार परिवार के साथ में था और पूरे कार्यकाल के दौरान जब मुझे छात्र संघ अध्यक्ष बनने का मौका मिला, प्रदेश के अंदर युवाओं के साथ होने वाले अत्याचार और अन्याय के खिलाफ हमने मजबूती के साथ आवाज आगे उठाई। कई बार विधानसभा के घेराव भी किए, कई बार जेल भी गए, कई बार लाठियां भी खाई, मुकदमे भी, और हमेशा विचारधारा के साथ में वर्तमान में जो प्रदेश में जो सरकार उसका भरपूर विरोध किया। और मुझे लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। इस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में एक छोटे से हिस्सेदार होने का मुझे मौका मिला। रविंद्र जी, बात करेंगे राजनीति की। देखिए, राजनीति में हमेशा उन चेहरों पर दाव खेला जाता है जो पुराने हैं और स्थायी हैं, लेकिन इस बार युवा चेहरों को ज्यादा मौका दिया जा रहा है, इसमें से आप एक हैं। किस तरीके से देखते हैं कि आने वाला वक्त युवा राजनीति का है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब निर्णय जो है केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, मैं एक आम कार्यकर्ता के रूप में धरातल पर काम करना चाह रहा हूँ विचार परिवार के लिए, संगठन। हम चाहते हैं कि संगठन की बात को आगे तक ले जाए, दूर दराज गांव ढाणियों में बैठे हुए लोगों तक हमारे आदरणीय मोदी जी की बात को पहुंचाए, और उसके लिए हम आम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और हमेशा से संगठन ने युवाओं को मौका दिया है आगे को। रविंद्र जी, आपकी छवि की अगर बात की जाए, देखिए आपकी छवि ऐसी रही है राजस्थान में, एक ऐसा छात्र नेता, एक ऐसा युवा नेता जिस पर हमेशा जुनून सवार रहता है, जिसकी तेज तर्रारिता, वाक्पटुता और इसके साथ ही बुलंद आवाज आपकी पहचान रही है। ऐसे में क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, सब संगठन के लिए हमेशा काम करेंगे और हमेशा संगठन को और विचार परिवार को आगे कैसे ले जा सकते, हम कैसे हिस्सेदार हो सके, मजबूत कैसे कर सके, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कैसे जोड़ सके, इसके लिए हमेशा प्रयास करेंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि आज के समय में सबसे ज्यादा अगर पिछली सरकार में कोई परेशान हुआ तो वो युवा हुआ। एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ, मैं बॉर्डर सीमावर्ती इलाके से आता हूँ, मैं कई सारे युवाओं को यहाँ पे जयपुर में भी देखता हूँ, वो वहाँ पर बड़ी मुश्किल से घर परिवार छोड़ के यहाँ तक आते हैं, कर्जा लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी करते हैं, आखिर में क्या मिलता है,
दो तीन साल तक जब भर्ती नहीं आती और भर्ती जब आती है तो पता चलता है कि पेपर आउट है। हर जगह कुठाराघात हुआ है, प्रदेश की सरकार ने उनके साथ में विश्वासघात किया, धोखा किया। ये सारी चीजें देखते हैं तो दुख होता है, कहीं ना कहीं मन में पीड़ा होती है कि साहब उन जो युवा थे, जो वो युवा थे, उनकी जिनकी आवाज को दबाया गया, उनके लिए बात कौन करेगा। तो हम सब ने ये मिलकर तय किया कि हम मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलाएंगे और वर्तमान सरकार के खिलाफ वर्तमान सरकार से पूरा हिसाब बराबर। आपने युवाओं की बात की, देखिए अगर बात की जाए पिछले पाँच साल की, पिछले पाँच साल में 12 बड़े पेपर लीक हुए हैं। इसके साथ ही कई ऐसी भर्तियां हैं जो पूरी नहीं हो पाई। प्रदेश के तकरीबन 26 लाख युवा बेरोजगार लगातार खुद को ठगासा महसूस करे। क्या इन चुनावों में ये युवा कांग्रेस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हुए? बिल्कुल, युवा अब सजग है, जागरूक है और उसे पता है आने वाली 25 तारीख को वोट की चोट के साथ हमें कांग्रेस की सरकार का सूत्रा साफ करना है और कमल खिलाना है, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है। और जिन युवाओं के साथ में, जिन 26 लाख युवाओं के साथ में ये जो हुआ है वो तो तैयार है ही, साथ में उनके सराउंडिंग जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो भी तैयार है कि साहब आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, विश्वासघात किया है और हम आने वाले चुनाव में वोट करके आपको सबक सिखाएंगे। कहा यह जा रहा है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी को शिव सीट से चुनाव लड़ते हुए देखा जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव की सारी प्रक्रिया संगठन के अंदर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व तय करता है। मैं आम कार्यकर्ता के रूप में धरातल पर काम कर रहा हूँ और जो संगठन का आदेश होगा हम उसके आदेश के ऊपर पूरे तरीके से समर्पित होकर लगेंगे। जब आपने बीजेपी ज्वाइन की तो एक बात वहाँ पर उठी थी, जब आप बीजेपी ज्वाइन करने आ रहे थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको लगातार रोक रहे थे। देखिए साहब, रोकने का प्रयास तो उन्होंने हर जगह किया, जहाँ कहीं पे भी लगा कि ये आगे आ सकता है तो रोकने का प्रयास किया। और हमें भी पता ही है, हमारे रोकने से रुकेंगे नहीं भैया, हम भारत माता उनका आशीर्वाद है हम पे और मजबूती के साथ में जहाँ राष्ट्रहित की बात आएगी, राष्ट्र विकास की बात होगी, हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और अभी हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। दो दिन पहले राजनीति के गलियारों में एक बयान काफी चर्चा में रहा, ईडी की कार्रवाइयां लगातार हो रही है और हम पिछले पांच साल में देख रहे हैं, नौ साल में तकरीबन हजारों से ज्यादा ईडी की कार्रवाई। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना कि ये कुत्ते हैं, जानवरों से उनकी तुलना करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आदरणीय है, बड़े हैं, उस विश्वविद्यालय से निकले हैं जहाँ से हमने छात्र राजनीति की शुरुआत की। मुझे लगता है कि इतने बड़े अहदे पे बैठे हुए लोगों को ऐसी भाषा का उपयोग कतई नहीं करना चाहिए और ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करना चाहूँगा माननीय अशोक गहलोत साहब कि हम सब उस अपनायत के शहर से आते हैं, जोधपुर से आते हैं, जहाँ पे जिसकी पहचान ही मीठी भाषा है और वहाँ से आने के बाद मैं अगर देश की, प्रदेश की राजधानी में बैठ के अगर हम ऐसे बयान देंगे तो कहीं ना कहीं जोधपुर पे एक क्वेश्चन मार्क लगता है, एक सवाल या निशान खड़ा। तो मारू निवेदन आप चैनल के माध्यम ना माननीय अशोक गहलोत सामने ना कि थे जोधपुर री अपनाए पूरे प्रेम ना बरकरार रखो, पूरे माते सवाल मत करता। एक सवाल रविंद्र जी, यदि युवा राजनीति में आते, ऐसे में यदि आप मुख्य धारा में प्रवेश करते हैं तो क्या आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि युवाओं की उन समस्याओं को जो सालों से उनके साथ चली आ रही है उसको दूर किया जाए? सबसे बड़ी चीज़ कि कुछ दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पधारे थे, उन्होंने पेपर लीक के प्रकरण के बारे में विस्तार में बताया और उन्होंने कहा था कि जो भी जिम्मेदार है उसको किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो तमाम चीज़ें जो प्रदेश की सरकार ने की, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते को लेकर हो, चाहे रोजगार के नाम पर उनसे ठगी हो, उन तमाम चीज़ों पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मेरा एक अंतिम सवाल युवाओं को लेकर, क्योंकि आप यूथ में युवा हैं, युवा आपके पीछे चलता है। जब जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था तब देखा था हमने कि राजस्थान का पूरा युवा जयपुर की सड़कों पर नजर आया है। ऐसे में युवाओं की भूमिका राजस्थान की राजनीति में किस रूप में? आपको बताना चाहूँगा कि युवा इस देश का, इस प्रदेश का मजबूत हिस्सा है, जो अगर ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से तमाम युवा साथियों से निवेदन रहेगा
कि आने वाली 25 तारीख को अब मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी को वोट दें, कमल के निशान पे ज्यादा से ज्यादा वोट दें, और साथ ही साथ में उन तमाम लोगों से अपील भी करें जो मतदान का उपयोग नहीं करते, अपने वोट का उपयोग नहीं करते, ताकि वोट का उपयोग करके हम इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंक सके, हमारा हिसाब बराबर कर सके। तो ये थे हमारे साथ रविंदर सिंह भाटी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शिव सीट से रविंदर सिंह भाटी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही युवाओं को लगातार जो मौके मिल रहे हैं, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आने वाली राजस्थान की राजनीति अब युवाओं के कंधों पर है। इसके साथ ही राजनीति में युवाओं की बढ़ती हुई सक्रियता कहीं ना कहीं राजस्थान के जो परिदृश्य है उसको पलटती हुई नजर आएगी। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।